प्यारे लाल रामप्रसाद शर्मा जी का नाम बिना लक्ष्मीकांत जी के नाम के अधूरा है। लक्ष्मीकांत जी का निधन तो 25 मई 1998 के दिन 60 वर्ष की उम्र में हो गया था, लेकिन प्यारे लाल जी आज भी हमारे साथ हैं। वह हर संभव कोशिश से अपना जीवन संगीत में लीन रखते हैं। जरा काल के पहिए को पीछे घुमाया जाए तो याद आता है कि प्यारे लाल जी के पिता ट्रम्पेट बजाते थे और उन्हीं की बदौलत प्यारे लाल जी ने म्यूजिक सीखने की शुरुआत की थी। प्यारे लाल जी संगीत के प्रति इतने दीवाने थे कि जब उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया तो 8 साल की उम्र से ही दिन में 12-12 घंटे प्रैक्टिस करने लगे। उनके भाई गिटार बजाते थे और प्यारे लाल जी वायलिन। लेकिन सन 1952 में जब वह 12 साल के हुए तो उनके घर आर्थिक संकट मनराने लगा। इसका उपाय निकालने के लिए प्यारे लाल जी ने पढ़ाई से बिल्कुल किनारा कर लिया और स्टूडियो जाकर वायलिन बजाने लगे। उस वक्त उनके गुरु एक गोवानी संगीतकार एंथनी गोंजाल्विस थे। वो बॉम्बे ऑर्केस्ट्रा, कुमी वालिया, मेहिल मेहता और उनके बेटे जुबिन मेहता आदि के लिए ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाया करते थे। हालांकि उन दिनों प्यारे लाल जी को इन ऑर्केस्ट्रा में बजाने की एवज में कोई बहुत अच्छी धनराशि नहीं मिलती थी, लेकिन गुजर बसर करने के साथ साथ सुरिल कला केंद्र में संगीत सीखने के लिए जाने लायक रुपए कमा लेते थे। ये म्यूजिक अकेडमी मंगेशकर फैमिली द्वारा चलाई जाती थी। यहीं पर एक रोज उनकी मुलाकात लक्ष्मीकांत जी से हुई। मुलाकात क्या हुई यूँ समझिए, एक 12 साल के और एक 16 साल के लड़के के बीच नियति की ओर से तय की गई दोस्ती हो गई। लक्ष्मीकांत जी के पिता गुजर चुके थे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। इस मुफलिसी ने उन दोनों को और पक्का दोस्त बना दिया। साथ ही जब लता मंगेशकर जी को पता चला कि ये दोनों माली रूप से मजबूत नहीं है तो उन्होंने बॉलीवुड के नामी संगीतकारों को अपने ऑर्केस्ट्रा के लिए इन दोनों का नाम भेजना शुरू कर दिया। इन नामी संगीतकारों में नौशाद साहब, सचिन दास, सी रामचंद्रा, कल्याण जी, आनंद जी आदि मौजूद थे। लेकिन यहाँ से रोज तो काम मिलता नहीं था, इसीलिए दोनों स्टूडियो दर स्टूडियो ऑर्केस्ट्रा में बजाने के लिए स्ट्रगल करते ही रहते थे। कोई 13-14 साल की उम्र होगी जब प्यारे लाल जी का सब्र जवाब दे गया। वह बोले, लक्ष्मीकांत जी मैं अब और यहाँ धक्के नहीं खा सकता। यहाँ तो शो करने के कितने कितने दिन बाद तक पेमेंट ही नहीं मिलती है, ऐसे कैसे काम चलेगा। सोचता हूँ कि जुबिन मेहता की तरह मैं भी वियना चला जाऊँ और किसी वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा में जाके वायलिन बजाऊँ, कम से कम सुकून से रोटी तो मिलेगी। लक्ष्मीकांत जी जानते थे कि वेस्टर्न म्यूजिक में प्यारे लाल की पकड़ बहुत अच्छी है और उस जैसा वायलिन भी शायद ही पूरे बॉम्बे शहर में कोई बजा सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े भाई की तरह हक से मना कर दिया कि नहीं प्यारे लाल, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हम मिलकर यहीं कुछ कर गुजरेंगे। और कोई शख्स होता या आज का जमाना होता तो यही लगता कि लक्ष्मीकांत जी प्यारे लाल जी की तरक्की से जल रहे हैं, इसीलिए मना कर रहे हैं। पर ना तब ऐसी कुंठाएं हुआ करती थी और ना प्यारे लाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरा सोच कर रुकते। उन्होंने लक्ष्मीकांत जी की बात पर भरोसा किया और यहीं रुक गए। प्यारे लाल जी के विदेश जाने को लेकर लक्ष्मीकांत जी ने सिरे से नकार दिया था। धीरे धीरे इन दोनों को बॉलीवुड से ही काम मिलना शुरू हो गया। सन 1954 में केदार शर्मा जी ने जोगन फिल्म बनाई जिसमें बूलो सीरानी का संगीत था। यहाँ पहली बार 14 साल की उम्र में प्यारे लाल जी ने किसी फिल्म के लिए वायलिन बजाया। फिर इन दोनों ने कल्याण जी आनंद जी को असिस्ट करना शुरू कर दिया। कोई 7 साल बाद बाबू भाई मिस्त्री की एक फिल्म पारसमणि में इन्हें बतौर संगीतकार काम करने का मौका मिला। मजा देखिए, बाबू भाई मिस्त्री का हाथ पकड़कर ही इनके गुरु कल्याण जी आनंद जी भी इंडस्ट्री में आए थे। क्योंकि लक्ष्मीकांत जी बड़े भी थे और भारतीय संगीत को बहुत अच्छे से समझते भी थे, इसीलिए तय हुआ कि लक्ष्मीकांत जी कंपोज करेंगे और प्यारे लाल जी म्यूजिक अरेंज करेंगे। इनकी पहली रिलीज फिल्म पारसमणि के गाने इतने बम्पर हिट हुए कि साथ साथ फिल्म भी सुपर हिट करवा गए। हमेशा की तरह इनके लिए लता मंगेशकर जी ने पहली फिल्म होते हुए भी गाने से नानुकुर करने की बजाय प्रोत्साहित किया और कम बजट होते हुए भी 6 में से 5 गाने गाए। इनके गानों में हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा आपने जरूर सुना होगा और आप यकीनन पसंद करते होंगे। साथ ही पहली फिल्म का शगुन करते हुए मोहम्मद रफी साहब ने पहला गाना वो जब याद आए बहुत याद आए के लिए भी कोई फीस न ली और कह दिया कि इस गाने की फीस आप किसी जरूरतमंद को दे देना। प्यारे लाल जी सौम्यता से बताते हैं कि ये लता जी और साहब जी यानी कि मोहम्मद रफी का आशीर्वाद था उनके लिए। और यकीनन ये एक ऐसा आशीर्वाद साबित हुआ कि एलपी के नाम से मशहूर होने वाले इस म्यूजिक डुओ ने फिर पीछे मुड़कर देखना तो दूर तुरंत ही कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। अगले ही साल एक और कमाल हुआ। 1964 में फिर एक लो बजट फिल्म संत ज्ञानेश्वर तैयार होने लगी और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी को नए होने के चलते फिल्म में काम दिया गया। फिल्म के प्रोड्यूसर मशहूर ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा के पिता रामराज नाहटा थे। फिल्म पहले 3 दिन में ही फ्लॉप डिक्लेयर होने को थी कि चौथे दिन रामराज जी के पास उनका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बोला,
भाई साहब गजब हो गया, फिल्म तो सुपर हिट है ये। रामराज जी ने टोका भी, क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई। तो उसने उसी उत्साह में बताया, अरे नहीं, जैसे ही गाना जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो बजता है, वैसे ही पब्लिक पागलों की तरह स्क्रीन पर रेजगारी फेंकने लगती है। मैंने आज तक कभी किसी भी सीन किसी भी गाने के लिए इतनी रेजगारी लुटाते नहीं देखी। कमाल की बात ये भी है कि ये गीत बिना का गीतमाला में 2 साल तक टॉप 3 में बना रहा था। इसी साल नई स्टार कास्ट के साथ फिल्म दोस्ती न सिर्फ इनके गानों की वजह से सुपर डुपर हिट हुई, बल्कि कैरियर के दूसरे ही साल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को पहला फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। मोहम्मद रफ़ी के गाए गाने राही मन भर दुख की चिंता क्यों सताती है बहुत पसंद किया गया था। अब क्योंकि ये दोनों ही शंकर जयकिशन जी का संगीत बहुत पसंद करते थे, इसीलिए इनका म्यूजिक स्टाइल भी कुछ लोगों को वैसा ही लगता था। लेकिन समय की करवट देखिए, कुछ सालों बाद शंकर जयकिशन ने अपनी संगीत शैली में संगीत में फेरबदल कर ली, ताकि कोई ये ना कहे कि उनका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कंपोजिशन से मिलता है। इसके बाद फिल्म मिलन में मुकेश का गाना सावन का महीना पवन करे शोर हो, या सागिर्द में लता जी का गाना दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे हो, इनका हर गाना रेडियो पर नॉनस्टॉप बजता मिलता था। फिल्म दो रास्ते, इंतकाम, बॉबी, रोटी कपड़ा और मकान, अमर अकबर एंथनी आदि सन 70 की हर बड़ी फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत धूम मचा रहा था। अमर अकबर एंथनी की बात आई है तो इतना जरूर बताना चाहूंगी कि उस वक्त ये 4 लेजेंड टॉप 4 को एक ही गाने में लाना, ये सिर्फ प्यारेलाल और लक्ष्मीकांत जी के बस का ही काम था। हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे, इस गाने में मुकेश, रफ़ी साहब, किशोर कुमार और लता मंगेशकर भी हैं। ये पहला और आखिरी गाना है जिसमें ये चारों साथ हैं। साथ ही आपको ये फिल्म का अमिताभ बच्चन पर फिल्माया वो कॉमेडी सॉन्ग तो याद ही होगा, माई नेम इज़ एंथनी गुंजालविस, मैं दुनिया में अकेला हूँ। ये गाना प्यारेलाल जी की तरफ से उनके उन्हीं गोवानी उस्ताद एंथनी के लिए समर्पित था। इनके संगीत की ऊंचाइयों की क्या बात करूं? 80 के दशक में तो इन्होंने 70 से भी ज्यादा कहर ढाया था। फिल्म कर्ज, एक दूसरे के लिए, प्रेम रोग, नाम, नगीना, मिस्टर इंडिया, तेजाब, चालबाज, राम लखन आदि एक से बढ़कर एक म्यूजिकल हिट थी। 90 में भी सौदागर, खुदा गवाह, खलनायक, दीवाना मस्ताना आदि सब टॉप क्लास म्यूजिकल से सजीव ब्लॉकबस्टर फिल्में थी। फिर धीरे धीरे लक्ष्मीकांत जी की सेहत गिरने लगी और प्यारेलाल जी का मन भी संगीत के बदलते तौर से विरक्त होने लगा। लक्ष्मीकांत जी की डेथ के बाद भी उन्होंने कुछ समय काम किया और एल्बम पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही लिखा, लेकिन वो बात ना रही। पर प्यारेलाल जी सन 1998 से लेकर आज 2021 तक भी संगीत से जुड़े हुए हैं और आज भी म्यूजिक अरेंज में उनका कोई जवाब नहीं है। उनकी सौम्यता का हाल तो ये है कि उनके यहाँ 50 साल पहले जो वादक काम करने आते थे, उनकी चौथी पीढ़ियाँ तक अभी भी उनके पास ही आती है। वह लता जी से हमेशा टच में रहते हैं, मुकेश जी की वह तारीफ करते नहीं थकते। रफ़ी साहब के बारे में तो वह फख्र से कहते हैं कि रफ़ी साहब कल भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। सुबह 5 बजे से उनके गाने सुनना शुरू करता हूँ और शाम 7 बजे तक सुनता हूँ। सारा दिन साहब जी की संगत में बीत जाता है। अभी जो आपने कहानी सुनी ये सिद्धार्थ अरोड़ा सहर ने लिखी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मैं प्रगति आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के किन्हीं और किस्सों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मायापुरी कट।